तुम कौन हो? क्या तुम वो हो जो अपने जिंदगी के एक फिक्स स्केड्यूल में फंस कर रह चुका है? क्या तुम वो हो जिसको हर सुबह ये लगता है कि फिर आज वही करना पड़ेगा जो कल किया था? क्या तुम वो हो जिसको हर रात सोते समय ये लगता है कि आज फिर जिंदगी वैसे ही निकल गई जैसे हर रोज निकलती थी? कौन हो तुम? क्या तुम वो इंसान हो जो सपने बहुत देखता है पर उनके लिए नहीं जानता? क्या तुम वो हो जो सोशल मीडिया पर किसी सक्सेस वाली पोस्ट को तुरंत सबके साथ में शेयर करता है और ये सोचता है कि शायद मैं भी एक दिन इतना सक्सेसफुल बन जाऊं? क्या तुम वो हो जो पता नहीं सारा दिन मोबाइल पर उंगली फिराते फिरते निकाल देता है और उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलता? आखिर कौन हो तुम? चाय के अड्डे पर सिगरेट फूंकने वाले या उनके बीच में फंस जाने वाले? हर रोज शाम को झूठी खुशी पर दारू पार्टी करने वाले या गम में पीने वाले कौन हो तुम? वह इंसान जो गृहस्थी और ऑफिस के चक्कर में ऐसे फंस गया है कि जब ऑफिस जाता है तो घर के कॉल आने से नहीं रुकते और जब घर आता है तो ऑफिस के कॉल आने से नहीं रुकते? क्या नया चल रहा है आपकी जिंदगी में कि देख देख तुम्हारे पड़ोसी ने नया होंडा सिटी ले लिया है और तू आज भी 100cc बाइक पर बारिश में रेनकोट पहनकर काम पर जाता है? क्या ये नया चल रहा है तुम्हारे लाइफ में कि देख इस एक्टर का इस एक्ट्रेस के साथ में अफेयर चल रहा है? क्या ये नया चल रहा है तुम्हारे लाइफ में कि कल मोमोज खाए थे, आज चिकन रोल खाऊंगा, कल जोमेटो से मंगवाया था, आज डोमिनोज से मंगवाऊंगा? क्या सपने देख रहे हो तुम? क्या उस क्रेडिट कार्ड के सपने जो आज बैंक के बाहर खड़े सेल्समैन ने आपका स्टेटस देखकर, आपके कपड़े देखकर आपको फ्री में देने का ऑफर दिया है? क्या ये सपने देख रहे हो कि 5 साल बाद तुम्हारे पास एक शानदार 5 BHK का एक अपार्टमेंट होगा और घर के सामने एक स्विमिंग पूल होगा? लेकिन दूसरे ही पल ये संकोच आता है कि इतने पैसे कहां से लाऊंगा? क्या ये सपना देखते हो तुम कि जिस लड़की से या जिस लड़के से तुम 5 घंटे से चैटिंग कर रहे हो वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे देगा, पैसा देगा, नाम देगा, नौकरी देगा? कितनी मुश्किल है तुम्हारे लिए अपने ड्रीम्स को पाना करना और कितना आसान है तुम्हारे लिए मंजिल को मुश्किल नाम देना? कितना आसान है तुम्हारे लिए दूसरों की सक्सेस को किस्मत कहना और कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए खुद की किस्मत को बदलना? कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए डेली के शेड्यूल से कुछ घंटे निकालकर केवल अपने सपनों के ऊपर मेहनत करना? और कितना आसान है तुम्हारे लिए 2 दिन बाद वापस गिव अप कर देना? सपने पाना मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है। जो लोग नाम कमाते हैं ना पैसा कमाते हैं वो पैदा होने के बाद कभी मुश्किल वक्त देखे ही नहीं, उनको तो सब चीज़ें बड़ी आसानी से मिल गई हैं और ऐसे किस्मत ने उनका साथ दिया और उनका नाम हो गया और वो अमीर बन गए, वो सक्सेसफुल बन गए। किस्मत, किस्मत एक ऐसा वर्ड है जो जिसने इस दुनिया के इतने सपनों को तय है जितना मुश्किलों ने भी नहीं तोड़ा होगा। किस्मत एक ऐसा वर्ड है जो इतने सपने तोड़ देता है जितनी मुश्किलें भी नहीं तोड़ती। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो अगर इंसान के दिमाग में बैठ जाए तो वो अपने काबिलियत को देखना भूल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर सकता है और कितना कर सकता है, अभी कर सकता है, इसी लाइफ में कर सकता है। किस्मत को बदलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये जो जिंदगी चल रही है ना, जैसी भी चल रही है, अच्छी बुरी चाहे जैसे चल रही है, इसको चलने दो, अपने आप को बूढ़ा होने दो और जब बुढ़ापे में तुम्हारी डेथ हो जाए ना तो ऊपर वाले के सामने जाकर गिड़गिड़ाना कि सर प्लीज अगले जन्म में मेरे हाथों में किस्मत वाली रेखा को ज्यादा लंबा बनाना, मुझे अच्छे घर में पैदा करना जिससे मुझे अगली जिंदगी में बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाए और कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना, PDD। और किस्मत को बदलने का दूसरा तरीका है ये, भूल जाओ कि दुनिया में डिक्शनरी में तुमने किस्मत नाम का वर्ड देखा भी है, भूल जाओ कि तुमने किस्मत नाम का वर्ड सुना भी है या इस दुनिया में ऐसा कोई वर्ड होता है। ये जो किस्मत नाम किसी ने बनाया होगा ना, इस दुनिया में वो पक्का एक बहुत बड़ा आदमी रहा होगा जो ये चाहता था कि ये जो पिछड़े हुए लोग हैं ना, इनके मन में ये बिठा दिया जाए कि अगर इनको ऊपर उठना है तो उनको अच्छी किस्मत लेकर पैदा होना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको किस्मत बदलनी है तो ये भूल जाओ कि तुमने कभी लाइफ में किस्मत नाम को भी सुना है। तुमने सुना ही नहीं कि किस्मत नाम का कोई वर्ड होता है, ये तुम्हारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब तुम्हारे लिए एप्लीकेबल क्या होता है? अगर तुम उस लेवल तक पहुंचना चाहते हो जिस लेवल को इस दुनिया अच्छी किस्मत नाम से जानती है, तो उसके लिए तुम्हारे लिए क्या एप्लीकेबल होगा? देखो, जो करता हूं मैं करता हूं, जो मेरे साथ होता है वो मेरे किए हुए की वजह से होता है। मैं जैसा आज बीज बोऊंगा वैसा ही पेड़ कल उगेगा और जितना आज मैं अपने आप को घिसूंगा उतना ही इस दुनिया को लगेगा कि मेरी भी किस्मत चमक रही है, ये भी अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुआ है, ऐसा लगेगा। फिर दुनिया को आप अपने आप को घिसोगे? किस्मत तो आपकी उसी दिन चमक गई थी जब आप इस दुनिया में आए थे। इस दुनिया में पैदा होने के लिए भी कितनी लंबी रेस लगानी पड़ती है, तो जितने लोगों को हरा कर तुम आए हो ना इस संसार में उतनी तो इस दुनिया में जनसंख्या भी नहीं होगी। पैदा होना किस्मत को बदलने से ज्यादा मुश्किल, पैदा होने में ज्यादा कंपटीशन है, समझदार लोग समझ गए होंगे। तो ये किस्मत कौन सी बड़ी चीज़ है? किस्मत को बदलने का एकमात्र तरीका यही है कि भूल जाओ कि आपने कभी किस्मत नाम को सुना भी है। अरे सुनेगी तो दुनिया तुम्हारे खुद के नाम को एक बार जरा झंडे गाड़ कर तो देखो। भूल जाओ कि नींद नाम की भी कोई चीज़ होती है, वीडियो गेम नाम की कोई चीज़ होती है, टाइम पास नाम की चीज़ होती है,
और कोई मुश्किल नाम की चीज होती है, भूल जाओ ये सब। अगर कोई है तो तुम खुद हो, जब बड़ा आदमी बन जाओगे। ना तो लोग ये देखने नहीं आएंगे कि तुमने कितनी मुश्किलों का सामना किया है, वो केवल इसीलिए तुमसे मिलने आएंगे कि चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी रहा होगा, चाहे तुम्हारे स्ट्रगल कुछ भी रहे हो, बस तुम जिस लेवल पे होंगे ना, उस लेवल को लोगों को इज्जत देना ही पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे। यू विल बी पावरफुल व्हेन यू विल बिकम पावरफुल व्हेन यू विल योर लक एंड व्हेन विल यू चेंज योर लक द मूवमेंट। ये लक नाम की और किस्मत नाम की चीज़ है ना, वो पता नहीं कौन सीखा गया इस दुनिया को, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर लक होता, क्योंकि हर जगह केवल और केवल मेहनत होती है। किस्मत को नहीं, अपनी आदतों को बदलिए। सक्सेसफुल लोगों से चलिए मत, उनसे सीखिए कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल डाली। इस दुनिया में डेली कोई ना कोई अपने सपनों को हासिल कर रहा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमेशा होती है, हर रोज़ होती है। किसी का सपना हो, खुद का घर हो, और आज उसका घर बन गया। कोई ड्रीम जॉब चाहता था, आज उसे वो जॉब मिल गया। कोई एग्ज़ाम को टॉप करना चाहता था और वो आज कर लिया, लोग कर रहे हैं। हमेशा से ही चलता आ रहा है, जो लोग खुद में बिलीव कर रहे हैं ना, वो लोग अचीव भी कर रहे हैं। आप आज का न्यूज़ उठाकर देख लो, आज ऐसे कई नाम हैं जो न्यूज़ में आपने आज से पहले नहीं सुने थे, बहुत सारे मिल जाएंगे। हमारे कंट्री में इतना यूथ पावर है ना, कि खुद को क्या इस पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, कोई हमारे देश के बराबर खड़ा नहीं हो सकता। अगर हम सब इस किस्मत के रोने को छोड़कर अपने अपने काम में लग जाएं, इस दुनिया की इतनी सारी सक्सेस स्टोरी है। आपका दिन भी आएगा, कब आएगा, जब आप किस्मत नाम की बीमारी को लात मारकर इसको भगाकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दोगे और देश में खुद के नाम के साथ साथ दुनिया में देश का नाम भी करोगे।